ग्वालियर चंबल में जिस कांग्रेस नेता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाक में दम कर रखा था, वो भी उस वक्त जब सिंधिया खुद कांग्रेस के ही कद्दावर नेता हुआ करते थे। उसी नेता की तारीफ करते नहीं थक रहे कमलनाथ। कोरोना के प्रकोप के बीच कमलनाथ उज्जैन दौरे पर थे और फिर ग्वालियर भी गए। पहले उन्होंने महाकाल के शिखर दर्शन किए। महाकाल पर कमलनाथ ने प्रदेश की आवाम की सेहत और देश भर से कोरोना को खत्म करने की प्रार्थना की। इसके बाद वो स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों से मिले और मीडिया से भी मुखातिब हुए। इस मौके पर उन्होंने एक कांग्रेस नेता की जमकर तारीफ की। ये वही कांग्रेस नेता है जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए ही ज्योतिरादित्य सिंधिया से पंगा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नाम है नूरी खान, जो उज्जैन ही नहीं पूरे प्रदेश कांग्रेस में जाना माना नाम है। नूरी खान वही नेता है जिन्हें कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से नीचे उतार दिया था। राष्ट्रीय स्तर पर कई महिला नेताओं ने इस बात पर सिंधिया का विरोध किया था। खुद नूरी खान ने इस बात की शिकायत कांग्रेस नेता राहुल गांधी से की थी। हालांकि इस मामले पर सिंधिया पर उस वक्त कोई कार्रवाई या सवाल जवाब नहीं हुए थे, क्योंकि सिंधिया कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। पर अब जब सिंधिया दल बदल चुके हैं तो नूरी खान की पूछ परख भी बढ़ी गई है। खास तौर से कोरोना काल में वो जिस तेजी के साथ अपने क्षेत्र की जनता के हिस्से की ऑक्सीजन के लिए लड़ी हैं, उसके चर्चे चारों तरफ हैं, जिसके लिए उन्हें जेल की हवा तक खानी पड़ी थी। नूरी खान के इसी जज्बे की कमलनाथ ने जमकर तारीफ की। मैं तो नूरी की प्रशंसा करता हूँ, उसने जनता की आवाज उठाई। वो कौन से घरेलू मामले के लिए गई थी और 3 दिन बंद रही? ये राजनीति क्या, ऐसी राजनीति चलेगी? ये प्रशासन को बंधुआ बनाना चाहते हैं। और मैं तो प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आप अपना भविष्य भी सुरक्षित रखिएगा। ये कहेंगे मैं धमकी दे रहा हूँ, मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं भी चाहता हूँ उनका भविष्य सुरक्षित रहे। प्रदेश कांग्रेस के मुखिया से अपनी तारीफ सुनकर नूरी खान की खुशी भी दूनी नजर आ रही है। उनका ये ट्वीट इस बात की गवाही देता है